अस्सलाम वालेकुम गाइस, चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी का चैप्टर है, केपी के बोर्ड की फिजिक्स पार्ट 1 है। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करा रहा हूं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 की तरफ चलते हैं। सो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो डेटा जो गिवन है उसमें फोर्स इसने गिवन दी हुई है वो हमारे पास 100 न्यूटन, डिस्टेंस इसने दिया हुआ है उस ट्रॉली ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास 50 मीटर, और इसने दिया हुआ है एंगल 30 डिग्री जो कि हॉरिजॉन्टल से वो बना रहा है। सो आगे वो फाइंड आउट करने को कह रहा है कि वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इट मींस यहां पे हमारे पास क्या है, एक ट्रॉली है, ये हमारे पास आ गई एक ट्रॉली, और ये इसका बन रहा है हॉरिजॉन्टल, और ये फोर्स लगा रहा है। So, कहता है कि फोर्स जब लगा रहा है 100 न्यूटन की और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जब थीटा एंगल बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री और जब ये ट्रॉली डिस्टेंस कवर कर रही है कितना 50 मीटर्स का, तो वर्क डन बताओ, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, कितना इसने वर्क डन किया पर्सन ने। सो वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा अब हमारे पास वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमारे पास होता है, लेकिन हमारे पास अब एंगल की वैल्यू भी गिवन है, दैट मींस वर्क डन हमारे पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सो डॉट प्रोडक्ट को हम रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा फोर्स। अब जस्ट वैल्यू स्टोर करो, फोर्स हमारे पास कितना है 100, डिस्टेंस हमारे पास कितना है ट्रॉली ने कवर किया है वो हमारे पास 50, कॉज ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, जब वो मैन जो है वो ट्रॉली को पुल कर रहा था उसके उस पर फोर्स लगा रहा था 100 न्यूटन की, वो मैंने वहां पे आपको शो कर दिया है। सो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वर्क डन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 30 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया 4330.127, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर इनफ है। सो और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जूल्स। सो ये हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया है वर्क डन जो कि एक पर्सन ने किया है व्हाइल पुलिंग अ ट्रॉली बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, बड़ा आसान सा था, ठीक है, इजी से फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के, मुश्किल नहीं है, लेकिन जहां पे कॉन्सेप्चुअल आपके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वहां पे फिगर बनाओ एंड ऑल ये सारा कुछ आप लोगों को करना होगा। तो प्रॉब्लम नंबर जैसे हम लोगों ने पीछे थर्ड किया था, ये बोर्ड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका, तो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो। सो ये ना सोचो कि ये आएगा नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट, जो अनइंपॉर्टेंट है उनकी भी प्रैक्टिस करने से ये फायदा होता है, आपको फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं आपकी बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाती है। सो ये बस प्रैक्टिस करो, जितनी हो सकता है प्रैक्टिस करो, तो आपकी मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशंस हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑल ये सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। सो मैथमेटिक्स को मैं बार बार कहता हूँ, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो ये भी एक तरह की मैथमेटिक्स ही है, तो कैलकुलेशंस नहीं, चाहे वो फिजिक्स में है लेकिन है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मींस से कैलकुलेशंस वाली क्वेश्चंस हैं। सो बस ये प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, तो सारी चीजें आपकी इंप्रूव होते जाएंगी, राइटिंग स्पीड, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कैलकुलेशंस, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ याद हो जाएंगे। सो फिर इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर स्टिल कहीं भी इशू आ रहा है तो प्लीज मुझे बताओ, और ये जब आप रिलेशनशिप लिखते हो तो ये ध्यान रखा करो जो भी आपके पास गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपने फिर लिखा है। सो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 कवर अप करूंगा, सो कहीं पे कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज मुझे बताओ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।